गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 21 अक्टूबर दिन सोमवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का कुछ बाजार है, क्या माहौल है, क्या ग्राहकी है, कितना आज ताजा मंडी में गाड़ी पहुंचा जी, अपना विदेशी माल कितना है और अपना देसी कितना है जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 8269 अमृत ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास जो क्वालिटी है जी वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रेटों का जानकारी लेते हैं जी, और आगे किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह का माहौल बनेगा वो सारा जानकारी देंगे जी। देखो जी हाँ जी, सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर जी, आप बताओ जी। बढ़िया जी, बताइए। तो सर जी आज जो है सोमवार का दिन है, एक तरह से अगर देखा जाए तो डबल मंडी भी है। बिल्कुल है। तो माहौल कैसा है जी और गाड़ी कितना पहुंचा है आज? देखिए 11-12 गाड़ी ईरान से आई है। ठीक है जी। उसके बाद 2 पंजाब है, 4 MP गाड़ियाँ है। अच्छा। 4 UP है। ठीक है जी। 1 कोटा है जी। 4 MP है। तो आवाज अच्छी है। तो सर जी ये अपना जो बाहर वाला माल है जी, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा जी? देखिए मैंने पहले कहा था ये आएगा जब तक सरकार रोक नहीं लगाएगी आता है। अच्छा। तो सर जी क्या प्रभाव आज डाला, मतलब इतना गाड़ी पहुंचा है यहाँ पे, तो इसका क्या असर देखने को मिला है? देखिए असर ये कि बाजार सामान खड़ा हुआ है, बाजार तेज नहीं हो पा रहा। अच्छा। बाजार जो पिछले हफ्ते था वैसे बाजार है। ठीक है जी। कोई तेजी का माल नहीं बन पा रहा जी, क्योंकि ईरान की सप्लाई काफी अच्छी है, रेट भी कम है इसके मालों के जी, 200-220-230 सब बिकते हैं, हल्के माल 150-40-30 जी। तो उस प्रभाव चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक खुशी का बात है कि जो मतलब ये लहसुन जो है विदेश वाला कितना भी जोर लगा रहा है जी, माल ज्यादा भी पहुंच रहा है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन हमारा जो इंडियन लहसुन का बाजार है वो स्थिर है जी। हाँ है ना जी। तो और तेजी का साल है, डिमांड अच्छी है हर तरफ से, तो उस ग्राहकों में उत्साह भी बना हुआ है मालों को लेकर, तो इसलिए बिक्री भी ठीक है और इसलिए बाजार स्टेबल है, बाजार टूट नहीं रहे हैं जी। और सर जी अगर बात करें अपना हिमाचल वाले लहसुन का, तो उसका आज क्या बाजार देखने को मिला, क्या ग्राहक? उसका माल भी देखिए 280-300 रुपए तक के माल हिमाचल के बिक रहे हैं। ठीक है। और पिछले कई दिन से इसी भाव में बिक रहे हैं और अभी भी यही बाजार है इसका। अच्छा जी। तो ये बाजार स्टेबल है एकदम से। ओके। और सर जी अगर बात करें नीचे में, तो नीचे का क्या बाजार है जी हिमाचल वाले माल का? 230 रुपए का बाजार है। 230 रुपए शुरुआत होती है इसकी। अच्छा। ऊपर में 300 तक का बाजार। ओके। ये सर जी बात करें अपना MP वाले माल का, MP के माल तो यह मानिए 170-180 रुपए से लेकर ऊपर में 280 रुपए तक के है। ठीक है जी। और कोटा वाले माल? कोटा भी सेम हाल है जी, बल्कि कोटा में तो जो हल्के माल जो बैठ गए थे वो 100 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। और जो कोटा के बॉक्स क्वालिटी माल है सर जी, उनका क्या बजाय? तो 200-300 रुपए। 200-300 रुपए जी। अच्छा। एज ए क्वालिटी मतलब डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आपका पंजाब का लहसुन? पंजाब के लहसुन बिक रहे हैं 170 रुपए से लेकर 250 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाईएस्ट कहाँ तक बिका जी? 250 रुपए तक बिका है। अच्छा जी। और आपका विदेश वाला लहसुन जो आ रहा है जी, अफगानिस्तान वाला? अफगानिस्तान की इसमें 2-3 वैरायटी आ रही है, कुछ माल तो इसके भी हल्के आ रहे हैं, तो 125 से लेकर 140 तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जो बढ़िया माल है वो 220 से लेकर 230 तक है। ठीक है जी। हाँ। और यूपी वाले लहसुन सर? यूपी के लहसुन आप ये मानिए 180 रुपए से लेकर ऊपर में 250 तक का बाजार है। अच्छा जी। और हरियाणा वाला लहसुन सर? हरियाणा का माल 200 रुपए से लेकर 250 तक का बाजार है। 200 से लेकर के 250 जी जी। अच्छा। तो सर जी क्या लग रहा है, मतलब अभी कितना दिन और मतलब इसी तरह से बाजार चलेगा जी? बाजार भी स्टेबल रहेगा, दिवाली का त्योहार भी सामने खड़ा हो गया आकर। हाँ। तो बाजार समान रहेगा, तेजी अभी नहीं आएगी फिलहाल जी। हाँ। अब जो होगा छठ पूजा के बाद होगा, छठ तक ये बाजार ऐसे ही चलते रहेगा। अच्छा जी जी। मतलब अभी भी जो है 10-15 दिन आए थे, नरम नहीं देखना? तो ऐसे नरम नहीं कह सकते, ये बाजार स्टेबल है। अच्छा। कि नरम नहीं है बाजार, स्टेबल चल रहे हैं, मतलब नरम ही देखने को मिलेगा। हाँ, यही बाजार ऐसे ही चलते रहे। अच्छा जी। और सर जी आज ग्राहकी डबल मंडी के अकॉर्डिंग ग्राहकी कहता है? ग्राहकी बटी हुई है, ग्राहकी बट गई है जी, कुछ देसी मालों में है, कुछ पंजाब में है, कुछ ईरान में है, तो ग्राहकी बट चुकी है। ठीक है जी। ओके। तो सर जी हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कह रहा हूँ आप माल अपने हिसाब से टाइम पे निकालते रहे। ओके। का इंतजार ना करें, जब जब मौका लगे अपने हिसाब से आराम आराम से मालों को निकालें। ठीक है जी। जी एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर? शॉप नंबर 8269 अमृत ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9811219269। जय किसान, जय भारत। धन्यवाद जी।